तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। हमारे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हैं और हमारे साथ अंकित भी जुड़ रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है, आज 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। अभिषेक, आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इन 5 राज्यों में से 3 जगहों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बार बार दौरे हुए, कितने महत्वपूर्ण ये चुनाव हैं लोकसभा के लिहाज से भी? देखिए, ये चुनाव इस लिहाज बिल्कुल लोकसभा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि इनको एग्जैक्ट सेम फाइल माना जा रहा है और इनके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि पिछली बार का जो नतीजा रहा है इन राज्यों में, अगर उसको हम देखें, अगर हम बात करें राजस्थान की, MP की, छत्तीसगढ़ की, तो पिछली बार का नतीजा जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में गया था, उसको देखते हुए भी ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प है और BJP पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर इन चुनाव में बाजी मार ली गई वो, तो उसके लिए लोकसभा में बड़ा बूस्ट हो जाएगा। और कांग्रेस के पास एक बैकग्राउंड है, पिछली बार वो यहाँ पर जीती थी और एंटी इनकम्बेंसी का उसको जो MP की अगर बात करें तो वहां पर वो फायदा उठाने की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ में उसकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है, तो अब ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि आखिरकार इसका नतीजा क्या होता है और इसको किस तरह से लोकसभा चुनाव से इसको कनेक्ट किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और अंकित का भी रुख करते हैं। अंकित, देखिए 12 बजे का वक्त है, इंतजार करना पड़ेगा कि कब किस तरीके से इस पूरे शेड्यूल को निकाला जाएगा। और राजस्थान सरकार से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, उनको भी ये जानकारी मिली होगी जहां 12 बजे इन तारीखों का ऐलान हो जाएगा। राजस्थान कितना तैयार है इन तारीखों के साथ? खाचरियावास जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये नो डाउट सबको पहले से तय था कि भाई ऐसा हो सकता है, हम तो 7-8 तारीख की उम्मीद कर रहे थे और ये किसी भी वक्त तारीख का ऐलान हो सकता है। तो आपने बताया, मुझे मेरी जानकारी नहीं था, हम तो ये समझ रहे थे कि ये 10-11 तारीख तक आएगी। तो आज घोषणा होती है, पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, BJP, कांग्रेस दोनों अपनी अपनी बात कह रही है और इस वक्त हमें बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, हमें पक्की उम्मीद है हम दोबारा करना है। जी प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जब तारीखों का ऐलान होता है परीक्षा का तो धड़कने बढ़ती हैं, तो धड़कने बढ़ रही हैं या फिर अपने काम से आश्वस्त हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है? नहीं, धड़कने तो नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये जो रूटीन का काम है, ये तय है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, हर पार्टी हर नेता जाएगा और इलेक्शन में जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन में जाएंगे, हमारी वर्किंग हमारे साथ है, हमारी सच्चाई हमारे साथ है, हमारे काम के साथ पूरा राजस्थान खड़ा है। कांग्रेस ने एक ही नारा दिया, हमने काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से किनारे के साथ हम लगा दिया। जी शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ABP News आपको रखे आगे।